हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं इस टाइम हर की पौड़ी पर खड़ा था। शाम के बज रहे हैं 6:30 और इस टाइम मैं था हर की पौड़ी पर। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यह हर की पौड़ी पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी सुंदर यह गंगा का नज़ारा और माँ गंगा की जल धारा यहाँ पर काफ़ी सुंदर बह रही है। और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारा प्रसाद की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। और एक बार पास से आपको धनुष पुल का नज़ारा दिखा देता हूँ। सामने ही आप धनुष पुल का नज़ारा और माँ गंगा की जल धारा जो बह रही है वो देख सकते हैं। और अभी मैं चल रहा हूँ गंगा आरती की तरफ, हर की पौड़ी की तरफ। और नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मार्केट, प्रसाद और खिलौनों की ये मार्केट सजी हुई है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं काफ़ी सारा क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, एकादशी के बाद से। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सारा क्राउड जो है देखने को मिलेगा। और सामने आप देख सकते हैं धनुष पुल। और जो है सामने वाला जो पुल है, जो काफ़ी जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कमांडो वगैरह खड़े हैं। तो जब भी गंगा आरती होती है, 7 बजे का टाइम है गंगा आरती का, तो वहाँ पर किसी को खड़ा नहीं होने देते पुल पर। तो अभी हम फर्स्ट वाले पुल से एंटर कर गए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा ये हर की पौड़ी का दोस्तों। तो अब चलते हैं हम हर की पौड़ी के मार्केट की तरफ को। एक बार आपको चल के मार्केट भी दिखा देता हूँ हर की पौड़ी का। तो हर की पौड़ी के मार्केट की तरफ को अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर खुल गए हैं चोटी वाला करके। तो काफ़ी सारे जो चोटी वाला रेस्टोरेंट हैं, तो अब ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा है यह समझना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। और काफ़ी सारी दुकानें वगैरह यहाँ पर सजी हुई हैं मार्केट में, मालाएं वगैरह, सुंदर सुंदर मार्केट यहाँ पर है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस, गंगा आरती की तरफ मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि काफ़ी क्राउड जो था आज बना हुआ था वहाँ पर। अगर आप गंगा आरती की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप गंगा आरती की वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नाइट व्यू इस टाइम हर की पौड़ी मार्केट का। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा ये देखने को मिलता है दोस्तों। जब भी आप आते हैं हर की पौड़ी पर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आकर लगता है। तो अगर अगर बात करें उत्तराखंड में दोस्तों, चार धाम यात्रा भी ओपन हो चुकी है। 18 सितंबर से चार धाम यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप चार धाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप भी। दूसरे राज्यों से आने की बात करें अगर दोस्तों, तो अगर दूसरे राज्यों से अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोविड के नियमों का पालन करना होगा। दो डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और नेगेटिव रिपोर्ट आपको RT-PCR की होनी चाहिए आपके पास, या अदर कोई टेस्ट की रिपोर्ट हो आपको, जैसे रैपिड एंटीजन वगैरह। और आपको देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। और देवस्थानम बोर्ड जो उत्तराखंड का है, वहाँ पर भी आपको ई पास के लिए आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप आना चाहते हैं चार धाम यात्रा पर तो आ सकते हैं दोस्तों। चार धाम यात्रा ओपन हो चुकी है 18 सितंबर से लेकर। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।